दोनों के लिए खुशखबरी है। क्या? उदय मर चुका है। वेरी गुड मीरा। हमें अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। कैसे भी करके हमें बस चाबी तक पहुंचना है। पर अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही घंटों में बैटरी डाउन हो जाएगी और हमें दोबारा से अपनी शक्तियां रिचार्ज करनी होगी। डरो मत, अगले 2 घंटे में वो चाबी मीरा के हाथ में होगी। मीरा के हाथ में। डॉक्टर रघुवंशी के एक्सपेरिमेंट की वजह से इन बेचारों की जाने गई। हाँ सर, वही सारे गैजेट्स और पैर में वो मशीन जो तेज के पास है, जिससे वो तेज भाग सकता है। रघुवंशी को भी मार डाला। के वो कहावत तो सुनी है ना तुमने, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल के पेड़ से आम खाने की इच्छा मत रखो। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। डॉक्टर रघुवंशी ने ही तो उन्हें इतनी शक्तियां दी थी, उसी का खामियाजा डॉक्टर रघुवंशी को भुगतना पड़ा। सर लेकिन वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक खास चीज की तलाश है और जगमोहन उन्हें उस खास चीज तक कभी पहुंचने नहीं देगा। बस अब कुछ घंटे और, उसके बाद उनकी शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब जल्द से जल्द मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करने वाला हूं मैं, और उसके बाद उनका वो हाल करूंगा कि पानी मांगने लायक नहीं रहेंगे। और डॉक्टर रघुवंशी की लाश मिली खाई में से? नहीं सर, कोशिश जारी है। अतारिका, क्या पता चलो उन चिप्स के बारे में जो इन दोनों के दिमाग में लगाए हुए थे? सर वो चिप्स उन दोनों को काबू में रखने के लिए लगाए गए थे, वो भी उस इंसान ने जिसने उनका ऑपरेशन किया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रघुवंशी उन्हें अपने रोबोट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं श्रेया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे होता तो फिर विद्युत और तेज रघुवंशी को क्यों मारते? नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर रघुवंशी नहीं, कोई और ही उन पर काबू रख रहा है। कोई और ही उन पर काबू रख रहा है, कोई ऐसा आदमी जिसने रघुवंशी को पैसे दिए इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अरे क्या बात है भाई, मेरी लैब में मुझसे पहले? अब क्या करें डॉक्टर साहब, जब केस इतना पेचीदा हो तो हमारा ज्यादा वक्त आपके इस फोरेंसिक लैब में गुजरेगा ना। इसका मतलब मान लिया ना तुम लोगों ने कि पेचीदा केस तुम डॉक्टर सालुके के बगैर सुलझा नहीं सकते हो। अबे ढोल पिटना बंद कर और अब जल्दी से बता उन खास सूट्स के बारे में क्या पता चला हो। नहीं बॉस, उन सूट्स पे से तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला है, लेकिन वो जो लाशें मिली थी आपको रिसर्च सेंटर पर से, उन लाशों पर से मुझे एक जबरदस्त सुराग मिला है। क्या क्या पता चला? बॉस उन लाशों के कपड़ों पर से मुझे सफेद पाउडर के कुछ अंश मिले हैं जो कि नियोथॉल नाम के ड्रग के हैं। नियोथॉल? ये कौन सा ड्रग होता है सर? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही एडिक्टिव ड्रग होती है पंकज। एक बार अगर इस ड्रग की आदत लग जाए तो जिंदगी भर इस लत से छुटकारा नहीं। तो क्या सर उनके ये ड्रग्स इन दोनों के शरीर के अंदर मिले थे? नहीं बस, बॉडी में नहीं, सिर्फ कपड़ों पर। मतलब ये खुद ड्रग्स नहीं लेते थे लेकिन किसी ऐसी जगह के आसपास रहते थे जहाँ पे शायद ड्रग्स बनाई जाती थी या फिर ड्रग्स का कारोबार होता हुआ। सर कहीं इस ड्रग्स का कारोबार इसलिए तो नहीं चल रहा था ताकि उस रिसर्च सेंटर में जो पैसे की जरूरत हो वो इस ड्रग्स के धंधे से पूरा किया जा सके? हो सकता है निखिल,
बिल्कुल हो सकता है, मगर सारुंखे ये ड्रग्स, मेरा मतलब है ये ड्रग्स के पौधे उगाने के लिए कोई खास एनवायरनमेंट की तो जरूरत होगी ना, कोई खास कंडीशंस। हाँ बस, हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहां पर इस ड्रग के पौधे उग सकते हैं, दारुल, बदलपुर और चंद्रेचा। बदलपुर, दारुल और चंद्राचा। ये दारुल और बदलपुर तो हजारों किलोमीटर दूर है हमारे यहां से। हाँ, मगर चंद्राचा 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्राचा, चलो जल्दी करो। हो गया। अरे चंदू, आओ। हाँ साहब। इतना डरा हुआ क्या लग रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है साहब। तलाशी लो रिस्क। कुछ नहीं है साहब मेरे पास, आप भी बेवजह शक कर रहे हैं मुझ पे। हाँ रोक, अभी सब पता पड़ जाएगा। ले ले तू तलाशी ले। ये देखो। ये क्या है? साहब साहब मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई। वो कह रहे कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाना है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा था। अबे बच्चा बीमार है तो चोरी करेगा क्या तू? हाँ? अबे बेवकूफ, तुझे पता भी है मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? हाँ? तुझे पता भी है भिखारी के है क्या? रोक तो, मैं अभी तेरा क्रियाक्रम के लिए। जल्दी से हॉस्पिटल ले चले, सबको ले जाओ। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस जानवर से बचा लिया। ये ड्रग्स किसके लिए उगाते हो तुम लोग? साहब हम तो एक काम बस 2 वक्त की रोटी के लिए करते हैं। ये सारा माल कहाँ से आता है और कौन हमसे उगवाता है ये हमें कुछ भी नहीं मालूम है साहब। फिर भी अपने मालिक के मुँह से कुछ तो सुना होगा, याद करने की कोशिश करो। हाँ साहब, एक बार मेरे मालिक ने कहा था कि ये सारा माल रातों रात ओरियन तक पहुंच जाना चाहिए। ओरियन तक? हाँ साहब। ओरियन किसी आदमी का नाम हो सकता है या फिर कोई जगह भी हो सकती है सर। ओरियन? अभिजीत, अगर ये ओरियन किसी जगह का नाम है तो फिर ये जगह जरूर कोई समुद्री इलाका है। समुद्री इलाका, समंदर की रेत। सर यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड 10 किलोमीटर की दूरी पर? सीआईडी, क्या बात है साहब? अच्छा ये बताइए कि ओरियन, ये नाम सुना आपने? ओरियन? हाँ साहब, ओरियन का गोडाउन उस तरफ है, यहां से 1 किलोमीटर दूर। यहां से 1 किलोमीटर दूर? आप लोग कौन है, किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से। आपके बॉस अंदर है? नहीं सर। बोलिए। इसके गले पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे उदय के गले पे था। मतलब ये खून भी मीरा ने किया है। इस मीरा के दिमाग में
बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। लगता है ये मीरा इस खिड़की से अंदर आई और इसे मार के निकल गई, इसीलिए तो स्टाफ ने भी नहीं देखा। एक काम करते हैं, इस ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। और मयूर स्टाफ से जरा पूछताछ करो। जी सर। सर यहाँ के लोगों से बातचीत करने में पता चला है कि ये शख्स यहाँ का मैनेजर था। यहाँ का मैनेजर था ये? सर ये फाइल मिली है, शिफ्ट के आने जाने के नक्शे हैं शायद। ये क्या मतलब? इन सभी देशों में ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। ये देखो, और इन सभी शिफ्ट पे नाम लिखे हुए हैं लोगों के। तेज, विराट, विद्युत। अब समझ में आया, इस आदमी ने लैब में करोड़ों रुपए इसलिए लगाए ताकि वो इन ताकतवर लोगों का इस्तेमाल अपने ड्रग्स की सुरक्षा के लिए कर सके। कानून से सुरक्षा और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा। ये क्या? ये तो जगमोहन है, शिपिंग कंपनी का बेताज बादशाह। इसकी फोटो यहां क्या कर रही है? सुनो इधर आ। कौन है आदमी? यही तो यहां के मालिक है साहब। मतलब ये सारा किया धरा जगमोहन का है। बॉस, ये सूट बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। नैनो सूट कहते हैं इसे। नैनो सूट? सर ये नैनो सूट क्या करता है? ये सूट पहन के इंसान के पास वो शक्तियां आ जाती है जो आम इंसान के दायरे के बिल्कुल बाहर है। मैं समझाता हूँ पंकज, ये सूट नैनो बोट से बना है, मतलब छोटे छोटे रोबोट से ये सूट बना है, और जिसने भी ये सूट पहन लिया फिर उस पर किसी तरीके के हमले का कोई असर नहीं हो सकता है। मतलब डॉक्टर रघुवंशी इतने सालों से ये सूट बना रहा था। रघुवंशी तो मर चुके हैं सर, अगर ये सूट इन तीनों के हाथ लग गया तो तबाही मचा देंगे वो। मतलब सर इन तीनों पर हमारी गोलियों का असर भी नहीं होगा? और सर इन गैजेट से और क्या पता चला? इन गैजेट्स की वजह से उनको वो अपनी खास शक्तियां मिलती है। पंकज जरा एक मिनट। हाँ जरा हाथ दोगे अपना? अब इसके पास भी ठीक वैसी ही शक्ति आ गई है जो विद्युत के पास है। हाँ? इसका मतलब मैं भी बिजली फेंक सकता हूँ? हाँ पंकज, बिजली तो फेंक सकते हो लेकिन हमसे दूर रहना। अरे नहीं सर, आप आपसे थोड़ी मजाक करूंगा, मैं तो बस। अरे पंकज उतारो। सॉरी निखिल। इट्स ओके ब्रो। बॉस, ठीक इसी तरह से तेज के बायोनिक लिम्स उसे बहुत तेजी से दौड़ने में मदद करते थे, और मीरा के इलेक्ट्रोमैग्नेट सेशन कप्स उसे वो ताकत देते थे जिससे वो छिपकली की तरह से दीवार पर चढ़ सकती थी, और नाखूनों पर ऐसा केमिकल था जो लोगों पर जहर का काम करता था। चलो शक्तियों के बारे में तो पता चल गया, बस अब इस जगमोहन तक पहुंचना है। जगमोहन तक। सर। आशय। सर एक ऐसी चीज हाथ लगी है जो हमें जगमोहन के और करीब ले जाएगी। क्या? सर जगमोहन के ऑफिस से हमें जो सीडी मिली थी उसमें एक फुटेज है जिसमें जगमोहन एक आदमी से बात कर रहा है। वो आदमी पुराना पापी अशोक है जो बहुत बड़े लेवल के क्राइम्स करता है और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। पुराना पापी अशोक? दया सर,
अगर ये अशोक और जगमोहन मिले हैं तो फिर अब ये अशोक ही हमें जगमोहन तक पहुंचाएगा। हर तरफ सिक्योरिटी है, अंदर जाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसी नेगेटिव बातें मत करो, कैसे भी करके हमें चार लोगों तक पहुंचना ही है। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, अपना काम ठीक से करो बस। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, आई वांट टू से समथिंग। दोस्तों आज इस पार्टी में आकर चार चांद लगाने के लिए मैं अशोक आप सब मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। तो नाचिए गाइए झूमिए और ऐश कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी इस खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा बने। तो एंजॉय। ये मर चुका है। उठो, हम लोग सीढ़ी से। क्या हुआ यहाँ पे? एक लड़की अंदर आई और सबको मारने लगी सर। मीरा कहाँ गई? वो सर अशोक जी के पीछे गई है सर। सर होटल से इतनी दूर आ गए, अशोक कहीं दिखाई नहीं, कहीं मीरा ने उसे भी। अशोक जी क्या हुआ आपको? किसने कही? मीरा ने। और अब वो जगमोहन के पीछे गई है, वो उसको भी नहीं छोड़ेगी। ये जगमोहन इसको काम लेगा। ये अशोक फोन क्यों नहीं उठा रहा? डैड बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अशोक अंकल पार्टी में है ना, तो म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं देता होगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। पर डैड हमारी करोड़ की डील का क्या? मेरी अशोक से डील ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तुम दोनों उतरो। पापा अब क्या होगा? अब तुम दोनों निकलो। आओ बेटा। पावर चेक कर रहे हो? अभी बाकी है। हमें मानना इतना आसान होता तो वो चूहा रघुवंशी ना मार देता। मगर अब वो हमारे रास्ते से हट गया है और अगला नंबर है तुम्हारा। ये मत भूलो, अगर मेरी दौलत नहीं होती तो रघुवंशी तुम्हें ये शक्तियां कभी नहीं दे पाता। तुम सब ने हमको ये शक्तियां दे के कोई एहसान नहीं किया है। तुम हमें रोबोट बनाना चाहते थे और हमें किसी के हाथ की कठपुतली बनना पसंद नहीं। पसंद करो या ना करो, मगर अब सच तो ये है कि कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद रास्ते चलते किसी एक आम आदमी की तरह तुम लोग भी हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम हमें उस खास चेंबर की चाबी दोगे। नहीं दूंगा। बचाओ बाबा, बचाओ, बचाओ। नहीं बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करो। बाबा बचाओ। अब बेटे को कुछ मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें चाबी प्यारी है या अपने बेटे की जिंदगी। नहीं नहीं, 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 मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं देता हूँ चाबी। जल्दी ये लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हेलो एम्बुलेंस। एक बार अगर वो उस चैंबर तक पहुंच गए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और उस चैंबर की चाबी भी उन्हें मिल जवान। हमें किसी भी तरह इस चैम्बर तक पहुंचना होगा। एक बार इस चैम्बर मिल जाए फिर इन तीनों के सुपर पावर्स खत्म कर देंगे। अब वो घड़ी आ गई जब हमारे सारे सपने हमेशा हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों को सांप सूंघ गया क्या? अरे मंजिल तक पहुंचने की जरा भी खुशी नहीं हुई? मेरे दोस्त, मंजिल तक पहुंचने की जितनी खुशी हमें है उससे कहीं ज्यादा गम तुझे खोने का है। मुझे पता था कि तुम दोनों भरोसे के लायक ही नहीं हो।
देखो आ गई हमारी मंजिल। दरवाजा तुम खोलोगी या मैं? चेंस फर्स्ट। ये क्या, मेरी शक्तियां कहां गई? क्या ये नकली चाबी है? सही कहा तुमने, असली चाबी तो यहां पर। तुमने अच्छा नहीं किया मुझे धोखा देकर। नहीं मेरा, अच्छा होगा तुम आ गए, वरना ये विद्युत तो मुझे मार ही देता। मेरा, तुम्हारा तो काफी खून बह रहा है। नहीं नहीं, गोली बस छूके निकली है। योके ना? या गुड। एक काम करो, तुम तब तक इन लाशों को ठिकाने लगाओ, मैं इसे खोलता हूँ। चाबी? कोई भी सुपर पावर हम पे काम नहीं करेगा। होते ही तुम सबकी मौत निश्चित है। वो दरवाजा कभी नहीं खुले। अब कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखते हैं, पहले इसे निपट लेते हैं। उस पूरे लैब को सील कर दो और उस लैब को ब्लास्ट करके उड़ाने का इंतजाम करो। हाँ, ओके। अब उसे रोकना नामुमकिन है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जाओ।
सर, रघुवंशी ने तो नैनो सूट पहन लिया। हाँ, मौत का लिबास, तुम सबके मौत का लिबास पहना है। सर, इसका मतलब ये है कि हम इसे मार नहीं सकते, ये अमर है। दुष्यंत कोई अमर नहीं होता, हर चीज का अंत होता है। रघुवंशी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? अब बारी तुम लोगों की है, बारी भीख मांगने की और भीख अपनी जिंदगी की। चुपचाप मीरा को छोड़ दो। ना हम मीरा को छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें। क्यों फिजूल में कानून की गोलियां बर्बाद कर रहे हो दया? अब अगर तुम मिसाइल या टैंक भी लेकर आओ तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपराजित हूँ, इमॉर्टल, अमर हूँ मैं, अमर। तुझ जैसे बीमारी का इलाज है हमारे पास। तो कुछ और नए मेहमान आए हैं, इनके लिए भी कुछ खातिर करनी ही पड़ेगी। यू आर वेलकम। सर जल्दी करिए, क्या करूं यार, कहीं कोई कंफ्यूजन है। सर जल्दी करिए। सर सर हुआ क्या? नहीं सर, और आओ रहा तारीख हो हो। कहीं कोई वायर लूज है? ये वायर लूज है। हाँ, ये वायर लूज है। सर जल्दी करिए सर, प्लीज जल्दी कीजिए सर। इसे कसो, इसे कसो। सर वो इधर आ रहा है। सर चलो चलो, सर जल्दी कीजिए सर। सबो सबो मार देगा सर। एक मिनट, एक मिनट। हो गया, हो गया, हो गया।
हिल क्यों नहीं पा रहा? मेरी पावर्स। हर पापी के अंत का एक रास्ता होता है और तुम्हारे अंत का रास्ता सालुके ने ढूंढ लिया। तुम्हारा खेल खत्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत सब खत्म। विद्युत के बिजली के झटके से बचने के लिए मैंने पहले से ही गैजेट पहन रखा था, जिसके कारण मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उन दोनों ने मुझे खाई में धकेल दिया, तब तो सर मैं नीचे उतर के इनको ऊपर फिर से ले आई। तो तुम दोनों ने पहले से प्लान बना रखा था तेज और विद्युत को धोखा देने का। वो दोनों सबको मौत की घाट उतारते हैं और उसके बाद तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। मेरा असली मकसद तो ये सूट बनाना था सर, और जब ये सूट बनकर तैयार हो गया तो मेरा सपना साकार हो गया, जिसमें उन सब की शक्तियां शामिल थी। और फिर मुझे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी सर, और ना ही जगमोहन की जरूरत थी। यहाँ पर कोई भगवान नहीं बन सकता है, सबकी मौत निश्चित है। सूट तो अब हम तुम्हारे लिए बनाएंगे, वो भी दो। एक तब पहनना जब तुम जेल में रहोगे, और एक तब जब ठीक फांसी से पहले तुम्हारे चेहरे के ऊपर डाल दिया जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।